नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए मैच की, जिसमें फिल सॉल्ट ने चमकदार 89 और श्रेयस अय्यर ने शानदार 38 रन किया। ये मैच बेहद एक्साइटिंग था, तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर। Now let's talk about this young kid, Iyer, man. This is the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. How do we go about tackling with this in the future, Malik? Hey, Rahul, really special today? Special, I think. नजर आ रहा था कि ये किसी भी एक ही चांस था एलएसजी का, रियलिस्टिक वो ये था कि केकेआर बारी करे और ये बाद में, क्योंकि आयर अब इंडियंस नहीं मानेंगे। देखें, इंडियंस ये कभी नहीं मानेंगे। 60-40 कह रहे थे, लोग कह रहे थे 70-30। चले शायद 60-40। मैंने आपसे कहा था 18 ओवर से ऊपर का मैच किया उन्होंने 26 बल्ले पहले, यानी ये 15 ओवरों में ही मैच खत्म हो गया। 15.4 कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, कैच भी छोड़ रहे हैं, ये यकीन करें कहीं नजर नहीं आ रहा था कि एलएसजी क्रिकेट मैच खेल रही है। मैं बात करता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, इस तरह का टैलेंट जब बंदा देखता है ना, मतलब आंखें यकीन नहीं कर पाती कि एक्सेप्शनल टैलेंट है ये बंदा। और इस वजह से आईपीएल की क्रिकेट को मैं पसंद करता हूँ, आईपीएल की क्रिकेट को वो हर एक बंदा पसंद करता है जो क्रिकेट को समझता है। देखिए, कैसे लग रहा था कि आयर को छोड़ के पूरे, जिस तरह होते हैं ना, पूरा एक ग्रोन मैन अगेंस्ट द स्कूल गोइंग, और वो भी किंडरगार्टन वाले बच्चे, छोटे चुन्ने मुन्ने बच्चे। शिमर इट मैन जोसेफ, यू विल से जी 40 ऑड रन्स है, ही बॉल्ड वेल। पहला ओवर बहुत गंदा था, इट इज एक्सपेक्टेड, लेकिन वो 22 के बाद उसने देखे कितने चांस बेचारे ने क्रिएट किए। आयर, नोबडी विल टॉक ऑन आयर्स टेस्ट मैच 120 रन की। अब आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन था, कमाल है भैया, करिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन था तो 120 की पार्टनरशिप में 38 पे 38 है अय्यर के, 47 बॉल पे 80 प्लस रन है फिल सॉल्ट के, 6 चौके अय्यर के जो लातों पे मिले, फ्री 20 मिली, उसमें 6 चौके यानी 24 रन अगर आप निकाल दें, 28 बॉलों में रिजवान अदर पीछे रह गई, 6 बॉलें निकाल दें 32 बॉलों में 14 रन किए हैं अय्यर ने, बट नोबडी विल टॉक ऑन दैट बिकॉज दे वन द मैच। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे ये अय्यर, केएल राहुल, ये गिल और ये इस तरह के लड़के ले जाएं, रोहित विराट इनको रिटायर कर दें। मैं तो रोहित विराट को कहूंगा आप कहें जी ठीक है आप भेजें, फिर मैं देखता हूँ वेस्ट इंडीज में ये करते क्या में, या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था, कोई उसको जिसे हम पंजाबी में कहते हैं थरथली नहीं थी पड़ी हुई, यू नो, इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम जिस पे प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी। बड़ा स्टार बनेगा, बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, ये फर्क है इंडिया क्रिकेट में, और घंटा फर्क है पीएसएल की क्रिकेट में, कि वो फ्लैट पिचू पे रन करते रहो पिंडी की, और जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाओगे आप किसे रन नहीं होंगे। लैंडस्लाइड विक्ट्री, मार्वलस विक्ट्री, माइंड ब्लोइंग विक्ट्री, बॉलर्स भी वो यश ठाकुर देके फ्री बीस दे रहा है, मोहसिन खान बोल्ड रियली वेल, आखिरी ओवर के छोड़ के ही वाज फिनोमिनल, 3 ओवर 16 रन 2 विकेट, रेस्ट सारे फुल टॉस दे रहे हैं, नो बॉल दे रहे हैं, व्हाइट बॉल दे रहे हैं, हाफ वॉलीज दे रहे हैं, फ्री बीस दे रहे हैं, लात पे दे रहे हैं, आश्रम के बाहर दे रहे हैं, मतलब कहीं भी This match doesn't look like a match. It was a complete mismatch. और ऐसा ही तवक्को थी, क्योंकि मेरा जाती ख्याल ये है इनके पास एक ही प्लान था एलएसजी, वो ये था कि विन द टॉस एंड आस्क केकेआर टू बैट फर्स्ट, पुट अप जो भी स्कोर करना है 180, 90, 200, 170, तो हम उस चेस पे जाएं। वो जैसे ही ये टॉस आ रहे इनकी भूख निकल गई, ना कोई पार्टनरशिप, ना कोई रन है, ना कोई गेम प्लान, ना बॉलिंग ना बैटिंग, दे वर मेजर स्पेक्टेटर्स वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन फॉर देम, एंड द लास्ट थिंग व्हिच हैपेंस फॉर देम इज 26 बॉल्स अर्लियर उनकी मुशक्कत खत्म हो गई। हां जी, 26 गेंद पहले फर्स्ट टेबल पे भी अभी आ गए हैं जी, पांचवें नंबर पे मैच हारने के बाद, और हैदराबाद ऊपर चली गई है बगैर मैच खेले, क्योंकि पॉइंट्स तो उतने उतनी है, नेट रन रेट पे काफी फर्क पड़ गया, जो ये 26 गेंदे पहले हारे हैं तो नेट रन रेट काफी ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से हैदराबाद का नेट रन रेट अब इनसे बेहतर हो गया, वो चले गए चौथे नंबर पे और ये आगे पांचवें नंबर पे। केकेआर तो आज की चर्चा की समाप्ति यही होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और हाँ, नीचे कमेंट करें और बताइए कि आपको फिल सॉल्ट और श्रेयस अय्यर की इनिंग्स कैसी लगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ये था आपका दोस्त अलोकेश, फिर मिलेंगे।